बुधवार को सुबह से हो रही बरसात ने भिलाई शहर के मिजाज को ही बदल दिया। बरसात के बाद कड़ाके की ठंड ने लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। बुधवार 4 जनवरी को लगातार सुबह से ही हो रही बरसात ने भिलाई शहर के मौसम को बदल दिया और मौसम में बदलाव लाते हुए कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसे देखते हुए शहर भर में जगह जगह आम जनमानस को अलाव का सहारा लेते देखा गया। निगम भिलाई भी ठंड के दिनों में सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था करवाती आ रही है, जिसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने बताया कि बुधवार को हुई बारिश ने शहर में ठंडकता ला दी है और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी निगम भिलाई सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्ण कर रखी है और स्थितियों को देखते हुए अलाव को जलाया जाएगा। देखिए, ठंड में अलाव जलाने की व्यवस्था है और इसकी जो व्यवस्था है वो हमने जो है आयुक्त महोदय ने विगत एक माह पूर्व ही सभी जो आयुक्त को निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ पे भी ऐसे बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और जो सार्वजनिक स्थल हो जहाँ पे लोगों की आवाजाही होती है, जैसे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए या पब्लिक भीड़ भाड़ वाली ऐसी जगह है जहाँ पे सार्वजनिक रूप से आना जाना रहता है, जहाँ पे वाकई में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। और इसी के तहत में कई स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है, क्योंकि मौसम अचानक जो है वो आज चेंज हुआ है, तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई है, नमी बना हुआ है, सुबह से ही बारिश देखने को मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है कड़ाके की ठंड पड़ भी सकती है, आगे भी पड़ सकती है। इसको देख के निगम प्रशासन जो है अपनी व्यवस्थाओं के तहत अलाव की तैयारी में है। सिर्फ एक बरसात ने मौसम में इतनी ठंडकता ला दी कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। अभी ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और ठंड को लेकर निगम प्रशासन भी सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने को तैयार है, जिससे आम जनमानस को ठंड से राहत पहुंचाई जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।